और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवांडा यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, कृषि और पशु संसाधन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते हुए, भारत ने रवांडा को किगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए $10 करोड़ और कृषि के लिए $10 करोड़ का कर्ज देने की पेशकश की। प्रधानमंत्री मोदी ने रवांडा की विकास यात्रा में भारत की ओर से पूरी मदद का भरोसा दिलाया। रवांडा यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किगाली में बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत रवांडा के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाएगा। यहाँ ग्रामीण विकास और छोटे उद्योग समेत कई क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूसरे देशों के विकास यात्रा में साझेदार बनना चाहता है। रवांडा जो आधुनिकता की दिशा में जा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, यहाँ जो चीजें प्रोडक्टों का ग्लोबल मार्केट चाहते हैं, ये सारे विषय ऐसे हैं कि जिसमें भारत के व्यापार और उद्योग जगत के लोग मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने किगाली जीनोसाइड मेमोरियल जाकर नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी रवीरू मॉडल गांव का भी दौरा करने पहुंचे और यहां गिरिंका योजना के तहत 200 गायों का उपहार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवांडा में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। वहाँ के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की उन्होंने तारीफ की। भारतीय लोगों को अच्छे लगते हैं, अनेक प्रकार से हर हिंदुस्तानी दुनिया में जहां भी है वो राजदूत से भी बढ़कर के राष्ट्रदूत है। रवांडा यात्रा के पहले दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति पॉल कगामे के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, कृषि, चमड़ा और पशु संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते हुए। भारत ने औद्योगिक पार्क के विकास और रवांडा में किगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए $10 करोड़ का कर्ज देने की पेशकश भी की। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, उद्योग, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। $200 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट और ट्रेनिंग के विषय पर समझौते किए हैं। आज हमने नए क्षेत्रों जैसे लेदर और डेयरी रिसर्च सहित दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर भी चर्चा की है। राष्ट्रपति कगामे के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने रवांडा में जल्द ही भारतीय दूतावास खोलने का ऐलान किया, जिससे न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम मिलेगा बल्कि यहां काउंसलर, वीजा और पासपोर्ट की सुविधा भी लोगों को मिलेगी। हम दोनों देशों के बीच संबंधों को आने वाले समय में और अधिक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आशान्वित हैं। Our two countries share similar ambitions for the prosperity and well-being of our citizens. We appreciate India's support to Rwanda's development agenda. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। रवांडा अफ्रीका की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोनों देशों के बीच $9 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है। भारत रवांडा को दवाइयां, दोपहिया वाहन, प्लास्टिक उत्पाद और मशीनरी निर्यात करता है। भारत प्राकृतिक संसाधन संपन्न अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ राजनीतिक संबंधों के साथ ही आर्थिक और कारोबारी संबंधों को और मजबूत बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।